तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो कैसे आधार कार्ड की अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो, तो आप कुछ की यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसकी जो डेट कैसे चेंज कर सकते हो, यानी कि रीशेड्यूल कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आपने जो कि आपकी जो अपॉइंटमेंट की बुक डेट थी वो आपने 10 तारीख की थी, लेकिन आपको वो चेंज करनी, उस दिन आपको कोई काम आ गया या फिर आप जा नहीं पाए, तो आप उसकी जो डेट है कैसे चेंज कर सकते हो, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी ब्राउजर जो ओपन कर लेना, उसमें आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वहाँ पे आपको आधार कार्ड टाइप करना है, यहाँ पे तो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको जो इस पर क्लिक कर देना है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे गेट आधार का एक सेक्शन में आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट का भी एक सेक्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी सिटी जो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप जो अपना आधार कार्ड करेक्शन, आपको बुक अपॉइंटमेंट बुक करना नहीं आती है तो वो ही मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। यहाँ से आपको अपने सेंटर जो सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ भी आप जो रहते हो। प्रोसेस टू बुक एन अपॉइंटमेंट पे आपको यहाँ क्लिक करना। उसके बाद जैसे कि आपको आधार अपडेट करना होता है उसके लिए अपॉइंटमेंट है, जैसे आपको आधार नया क्रेडिट बनवाना है तो आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट है। तो हमको जो है इसमें डेट अपडेट करनी है, तो उसके बाद आपको यहाँ मैनेज अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, यानी कि जो भी आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है उनको कैसे मैनेज करें, उनकी डेट नेम वगैरह कैसे चेंज करें, वो इस चीज़ में बताने वाला हूँ। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था अपॉइंटमेंट बुक करते समय, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के जो साइड में दिख रहा है, आपको जनरेट OTP पर नीचे क्लिक कर देना है, और फिर OTP आपको यहाँ पर जो है एंटर कर देना है, और वेरीफाई OTP पर आपको नीचे ही क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फिर आपके सामने सारी अपॉइंटमेंट आपके सामने जो यहाँ पे आ जाती हैं। तो मैंने एक अपॉइंटमेंट ली थी लास्ट में, सबसे कोमल के नेम से आप देख सकते हो। तो मैं आपको लास्ट में यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक जो कि साइन दिख रहा होगा जिस पे आपको कैलेंडर का, इस पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमने आपको डेट, जैसे कि यहाँ पे डेट मैं आपको यहाँ पे बताया था किस डेट की अपॉइंटमेंट हमने बुक की थी, यहाँ से आप उस डेट को जो है चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमको 18 की, जैसे कि हमने ये 2 या 3 में की थी, तो हमको ये 12 तारीख की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। हम उसको क्लिक करने के बाद आपको रीशेड्यूल पे यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीशेड्यूल पे क्लिक करोगे तो जो अपॉइंटमेंट की रीशेड्यूल है वो सबमिट हो चुकी है। अब आप उसको देख सकते हो कि मैसेज भी जो आ चुका है इसी मोबाइल नंबर पे। फिर आपको उसको जो है यहाँ से PDF पे क्लिक करना है, इसको प्रिंट कर लेना, और जो है फिर से आपको प्रिंट करके वहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करना है, और अपना आधार कार्ड बनवाना है या फिर करेक्शन करवाना है तो वो आप जो है करवा सकते हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।